अस्सलाम वालेकुम क्लास वन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कम्प्रीहेंशन ऑफ यूनिट नंबर 9। दिस इज अ पॉइंट, ठीक है। अ गुड टाइम इज कमिंग, पिक्चर देख रहे हैं आप। सबसे पहले हम इसकी वोकैबुलरी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। विश मीन्स ख्वाहिश करना, होल मुकम्मल, काउंटिंग गिनती, स्नोफ्लेक्स बर्फ के टुकड़े, बिगिन शुरू करना या शुरू हुआ, विंड हवा, विसल्स आवाज़ें, ब्रांचेस शाखें, दो अगरचे, नाम सुन हो जाना, नियरर करीब तरीन। नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स रीडिंग। अ गुड टाइम इज कमिंग, अ गुड टाइम इज कमिंग, I wish it were here, the very best time in the whole of the year. I am counting each day on my fingers and thumbs, the weeks that must pass before Santa Claus comes. Then when the first snowflakes begin to come down and the wind whistles sharp, and the branches are brown, I'll not mind the cold, though I will feel so numb, for it brings the time nearer when Santa Claus comes. Assalamu alaikum students, class 1 is going to study activities of unit number 9, part A, complete the sentences. नीचे दिए गए बॉक्स में जो वर्ड्स हैं उनको आपने इन ब्लैंक्स में लगा के उनको फिल करना है। नंबर 1, अ डैश क्लास विल कम सून, यहाँ पे आएगा सेंटा। नंबर 2, ही विल फिल माई डैश, यहाँ पर आएगा स्टॉकिंग। नंबर 3, ही हैड अ लॉन्ग बियर्ड, मतलब यहाँ पे आएगा वाइट। नंबर 4, ही विल ब्रिंग डैश प्रेजेंट्स। नंबर 5, सेंटा वियर्स अ रेड डैश कोट, आई लव डैश टाइम क्रिसमस। पार्ट बी, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स, आपने नीचे दिए गए बॉक्स में से राइमिंग वर्ड्स को सर्च करना है और जो सूटेबल वर्ड्स हैं वो इन वर्ड्स के आगे आपने लगा देने हैं जिनकी साउंड एक जैसी हो। जैसा कि नंबर 1, बेस्ट नेस्ट रेस्ट। नंबर 2, बैक टैग रैक। नंबर 3, नीड सीड फीड। नंबर 4, माय फ्लाई ट्राई। ये जो वर्ड मैंने आपको बताए हैं ये आपने यहाँ से ढूंढ के यहाँ पर लगाने हैं। नंबर 5, एंड हैंड बैंड। नंबर 6, पेयर चेयर हेयर। नंबर 7, नॉट हॉट पॉट। नंबर 8, ब्रिक स्टिक पिक। एंड पार्ट सी, इमेजिन ड्रॉ पिक्चर ऑफ दीज, आपने इमेजिन करना है और यहाँ पर नंबर 1 पे अ क्रिसमस ट्री, यहाँ पे एक क्रिसमस ट्री ड्रा करेंगे। नंबर 2 पे माय प्रेजेंट फ्रॉम सेंटा, आपने यहाँ पे वो पिक्चर बनानी है जो आपको सेंटा ने गिफ्ट किया है। थैंक यू। ओके क्लास 1, Now we are going to do language part of unit number 9. और language का part A है write each sentence correctly. ये जो है incorrect sentences हैं इनको आपने correct करके लिखना है. Example, bring Santa will presents. तो इसका जो right sentence है Santa will bring presents. ठीक है. Number 1, reindeer Rudolph is a, तो ये आएगा Rudolph is a reindeer।
नंबर टू हैज ही रेड नोज आ, तो इसका करेक्ट जो है सेंटेंस वो है ही हैज अ रेड नोज. नंबर थ्री क्लॉज हेल्प्स ही सेंटा, इसका करेक्ट है ही हेल्प्स सेंटा क्लॉज. नंबर फोर फ्लाई स्काई द ही थ्रू, तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस है ही फ्लाइज थ्रू द स्काई. नंबर फाइव कैरेट्स लव्स ईट ही टू, तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो है ही लव्स टू ईट कैरेट्स. पार्ट बी टेक द करेक्ट बॉक्सेस. नंबर वन, अब ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उनके साथ उनके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने करेक्ट बॉक्स को टिक करना है. सैंटा वियर्स बूट्स अ ड्रेस अ कोट अ टाई, तो ये आपको एग्जांपल दी हुई है बूट्स अ कोट, इन पे आपने टिक करना है. नंबर टू रुडोल्फ लाइक्स स्कूल मिल्क कैरेट्स सैंटा, तो इसका आंसर होगा कैरेट्स. नंबर थ्री क्रिसमस इज बोरिंग फन कोल्ड स्केरी, तो इसका आंसर क्या होगा फन फन एंड कोल्ड, क्योंकि क्रिसमस जो है वो विंटर्स में आती है, तो कोल्ड एंड फन इसका करेक्ट होगा आंसर. नंबर फोर आई लाइक सैंटा रुडोल्फ मिल्क कैरेट्स, अब इसमें से आपको जो भी पसंद है आप उसको टिक कर सकते हैं, दिस इज योर ओन चॉइस. ओके स्टूडेंट्स, पार्ट सी ऑल अबाउट मी, इस पार्ट को कम्प्लीटली आपने अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के साथ करना है. ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, आई डैश क्रिसमस लाइक डिसलाइक, इफ यू लाइक देन राइट लाइक एंड इफ यू डिसलाइक देन राइट डिसलाइक. सेंटा विल गिव मी टॉयस होमवर्क, ऑफ कोर्स सेंटा विल गिव मी टॉयस. आई वुड लाइक अ बुक टॉय गेम, यहाँ पे आपने अपनी चॉइस से आंसर को लिखना है. आई विल गिव सेंटा कैरेट्स केक ब्रेड. आई थिंक सेंटा इज सिली स्मॉल सुपर. ओके स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ सेंटा, ये एक बॉक्स है, इसमें आपने सेंटा की अच्छी सी पिक्चर ड्रॉ करनी है और फिर उसमें कलर्स करने हैं. ओके वन क्लास, अब हम यूनिट नंबर 9 के साउंड्स का पार्ट करते हैं. तो साउंड्स का पार्ट ए है से द वर्ड राइट द साउंड. वन क्लास आपने क्या करना है, ये स्पेलिंग्स दिए हुए हैं ऊट एंट, आपने इस बॉक्स में दिए गए वर्ड्स को अच्छे से देखना है. जिन वर्ड्स के एंड पे डबल ओ टी आएगा, जितने भी इसमें वर्ड्स हैं उनको आपने इन दो कॉलम्स में लिखना है, और जिन वर्ड्स के एंड में ई एन टी आएगा उन सब को आपने फाइंड करना है, और फिर आपने ई एन टी वाले वर्ड्स को यहाँ पे लिखना है. ठीक है, मैं एक दफ़ा इन वर्ड्स को पढ़ देती हूँ. बूट सेंट फुट प्रेजेंट टेंट रूट वेंट हूट बेंट शूट पेरेंट सूट. ओके, अब पार्ट बी भी इसी से रिलेटेड है. नेम एंड कलर, यूज द वर्ड्स फ्रॉम एक्टिविटी ए टू हेल्प यू. ठीक है, अब इन पिक्चर्स में जो वर्ड आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ, जिनके स्पेलिंग्स आपको ऊपर वाले बॉक्स में से मिल जाएंगे, वहां से फाइंड करके आप उनको यहां पे पुट कर देंगे. ठीक है, ये क्या है, फुट प्रेजेंट बूट टेंट हूट शूट शॉट. ओके स्टूडेंट्स,
इन सारी पिक्चर्स में आपने अच्छे से कलर्स भी करने हैं। पार्ट सी है लिसन एंड स्पेल। इस पोएम से रिलेटेड वर्ड्स को, उसकी वोकैबुलरी को अच्छे से लर्न करने के बाद आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से इस पार्ट को करेंगे। वो आपको वर्ड्स बताएंगे, आप उसको लिसन करेंगे और फिर उनको स्पेल करेंगे, और जितने आपके स्पेलिंग्स ठीक होंगे आपको यहाँ पे स्कोर मिलेंगे उसके। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट नंबर 9 के कॉन्वर्सेशन का पार्ट करते हैं। ये एक्चुअली आप लोग अपने पेरेंट्स की हेल्प के साथ करेंगे। ये कॉन्वर्सेशन बताई गई है, कैसे ये बच्चे आपस में कॉन्वर्सेट कर रहे हैं। ठीक है, रीड द डायलॉग्स एंड रोल प्ले विद योर पार्टनर्स। ठीक है, हेलो, आई एम जॉन, आई एंड अली आर फ्रेंड्स, आर यू आर फ्रेंड्स। ये दो बच्चे हैं, आई एंड अली। ओके, अब ये दो करेक्टर्स ये हैं और एक करेक्टर ये है। यस, आई एम मैरी, आई एम योर फ्रेंड। अली एंड आई हैव अ न्यू फ्रेंड, हर नेम इज मैरी, वी ऑल आर फ्रेंड्स। अब ये एक और करेक्टर है इसमें, इस कॉन्वर्सेशन के पार्ट में ये एक और करेक्टर है। हु आर सारास फ्रेंड्स? जॉन एंड आई आर हर फ्रेंड्स, We play together. We all are friends. We all play together.